सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितने की एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें। जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। आज का पंचांग 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शाम 4:03 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र शाम 5:22 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 1:49 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार, आज के दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती हुई जाएगी। फोन कॉल अथवा ईमेल के माध्यम से आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है। किसी भी कार्य तथा मेहनत का उचित प्रतिफल मिलेगा। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग को शिक्षा व करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत रहेगी। जब तक आपकी जिम्मेदारियां दूर नहीं होती है तब तक नए कामों की शुरुआत करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। लोगों के साथ के बिगड़े हुए संबंधों को ठीक करने के लिए उनके साथ संवाद सुधारने की आवश्यकता है। विदेश से संबंधित काम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यात्रा स्थगित करना पड़ सकता है। पार्टनर के लिए निष्ठा और प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखें। मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने की वजह से पैर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। ध्यान रखें सावधानियां। कहीं भी वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो। कोई भी योजना बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नकारात्मकता भी आ सकती है। एक तर्क में जीतना एक दिल के जीतने से बहुत अलग है। आप अपनी बातों को साबित कर सकते हैं परंतु फिलहाल इस तरीके से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है या आपका बहिष्कार कर सकता है। अपने प्यार अपने साथी को तर्क वितर्क में जीतने का मौका दें। अपने साथी को आपके बिना बोले अपना मन मस्तिष्क पढ़ने दें। कुछ कदम आगे जाकर अपने प्यार अपने साथी की मदद करें और इस तरह से आपका साथी आपकी सूक्ष्म कदमों की सराहना करेगा। बात करते हैं करियर की। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवित महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस उत्साह में अपनी स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। कुछ खास उपलब्धियां आपके सामने आएगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। उधार दिया पैसा वसूलने के लिए दिन अनुकूल है। बात करते हैं सेहत की। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकती हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा कम ही है। इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में
फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल करना चाहते हैं। आज का उपाय, आज अब गाय को रोटी खिलाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।